वी द पीपल के मंच पे बड़े बड़े लोग आते हैं, बातें होती हैं, सबके विचार विमर्श आते हैं। एक विचार ये है कि भाई आप अपने कार्यकर्ता को ऐसा क्यों नहीं बनाते कि वो संघ तोड़क ना बने। यानी ये समस्या है कि जब कोई संघ बनता है या कोई संगठन बनता है तो कुछ समय बाद उसके टुकड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? जब विचारधारा एक है, काम एक है, ऑब्जेक्ट एक है, उद्देश्य एक है, सारी चीज़ें एक हैं, तो उसके टुकड़े क्यों हो जाते हैं? जाहिर सी बात है कि जो उसके नेता हैं वो नेता समझदार नहीं है, और जब समझदार नेता नहीं है तो वो कार्यकर्ता भी बेवकूफ़ी पैदा करेगा, समझदार तो पैदा करेगा नहीं। क्योंकि संघ को तोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना गया था जब बुद्ध ने पहला संघ दुनिया का बनाया, दुनिया का पहला संघ जिसके सारे संघ के नियम दुनिया में चलते हैं। और हमारे जो संगठन हैं, जो समण समाज के, बहुजन समाज के, वो तो बुद्ध के संगठन के नियम जानते भी नहीं है। बुद्ध ने बताया था कि जो संघ तोड़क होगा, जो संघ को तोड़ेगा, जो संघ का खंड करेगा, विखंड करेगा, ये पाराजिक नियम है, पाराजिक इसमें लागू होगा, पाराजिक दंड दिया जाएगा। पाराजिक दंड का मतलब है कि उसको संघ से निकाल दिया जाएगा और वो जीवन भर संघ में नहीं आएगा, उसको संघ तोड़ने का दोष लगेगा और इस दोष और कलंक के साथ में वो जिएगा। तो जब कोई संघ टूटता है, संगठन टूटता है, तो एक बात पक्की है कि उसमें से दो में से जो दो लोग तोड़ रहे हैं उनमें से एक आदमी ठीक नहीं है, और जो लोग उसका साथ दे रहे हैं वो भी ठीक नहीं है एक केस में। दूसरे केस में दोनों व्यक्ति भी सही नहीं हो सकते। जैसे पाकिस्तान और भारत का जब तोड़ हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो जो भारत के लोग हैं उन्होंने कहीं कोई आंदोलन नहीं किया इस बात के लिए कि भारत के हिस्से नहीं होने चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों ने भी इस बात के लिए कहीं वो आंदोलन नहीं किया कि भारत के हिस्से नहीं होने चाहिए। यानी कि दोनों तरफ के नेता ये चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान टूट जाए, मैं इधर का नेता बन जाऊँ तुम उधर के नेता बन जाओ, तो ये नेतागिरी का झगड़ा था। इसलिए उन्होंने तोड़ मजबूत की और तोड़ दिया, और वहाँ के लोगों ने भी उनका साथ दिया, क्योंकि विद्रोह नहीं किया इस बात का, नेताओं की पिटाई नहीं की कि तुम भारत को क्यों तोड़ रहे हो। ऐसे ही जब संगठन टूटता है तो संगठन में दोषी कई बार दोनों होते हैं, जब दोनों के लालच होते हैं, और कई बार एक होता है जिसका लालच होता है या जिसका डर या भय, जो भी कुछ हो सकता है। तो वो जो संघ का तोड़ने का दोषी है और जो लोग उसके साथ जा रहे हैं वो दरअसल संघ के दोषी हैं, बुद्ध के दोषी हैं, बुद्ध के गद्दार हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर के गद्दार हैं, वो ज्योतिबा फुले के गद्दार हैं, वो संघ के गद्दार हैं, वो समण समाज के गद्दार हैं, वो समण द्रोही हैं, वो समण दोषी हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो कलंकित हैं उनको मान्यता क्यों दी जाए? तो जो मान्यता देता है वो भी दोषी है, और जो उनकी रक्षा में खड़ा होता है, तोड़क जो तोड़ने वाले हैं उनकी रक्षा में खड़ा होता है, और जो उनको कहता नहीं है कि तोड़ना ठीक नहीं है, वो भी दोषी है। सबसे ज़्यादा दोषी वो नेता हैं जो ऐसे कार्यकर्ता पैदा करते हैं जो तोड़ने में सहयोग करते हैं। एक आदमी अगर तोड़ने के लिए बदलता है, मन को बदलता है, तो वो अकेला जाना चाहे तो जा सकता है, मगर जब बहुत सारे कार्यकर्ता उसके साथ जाते हैं तो इसका मतलब नेताओं में कमी है। वो अपने कार्यकर्ताओं को इस लायक नहीं बना सके, इतना विचार नहीं डाल सके कि संघ को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, यानी वो संघ के तोड़ने के पक्ष में हैं जब उनको ये नहीं सिखाते। तो ये सबसे मेन कारण है, इसलिए कार्यकर्ताओं को सावधान होना चाहिए। अगर कोई नेता संगठन को तोड़ता है तो उसको जूते मार के निकाल देना चाहिए, उसको जीवन भर का दोष देना चाहिए, उसके साथ नहीं जाना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, उसको संरक्षण नहीं देना चाहिए। और ऐसा नेता जो नेता ये कहे कि हम बाबा साहब की आइडियोलॉजी जानते हैं, बाबा साहब के ऊपर काम करते हैं या बुद्ध के ऊपर काम करते हैं, और तोड़ने का अगर कोई कारण जातिवाद है, तो ऐसे नेता को तो जीवन भर के लिए, आजीवन के लिए, हमेशा के लिए उसको समणद्रोही, कलंकित, गद्दार घोषित कर देना चाहिए। क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम लड़ रहे हैं आप उसी जातिवाद के आधार पर संगठन तोड़ रहे हैं, मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और इससे ज़्यादा गद्दारी समाज के साथ में कोई हो नहीं सकती। आप एक बार को पैसे के लिए चले जाएं कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे चंदा नहीं मिलता, या आप ये कहें कि मुझे नेता बनना है पूरे समूह का, मैं तो नेता बनना चाहता हूँ, ये लालच है, ये फिर भी उससे कमतर है जब आप जात के ऊपर लोगों को लेके जाते हैं। यानी तू मेरी जात का है तो मेरे साथ आ जा, तो फिर मिशन कहाँ रहा? अम्बेडकर कहाँ रहे? बुद्ध कहाँ रहे? ज्योतिबा फुले कहाँ रहे? आपने तो सबको गोली मार दी एक तरफ से, और ऊपर से दावा यह है कि आप बहुजन समाज के लीडर हैं और ये बहुजन हमारे महापुरुष हैं। मतलब आप बहुजन महापुरुषों की हत्या भी कर रहे हैं जातिवाद करके, और उनका फोटो भी सर पे उठा के घूम रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा गद्दार और आपसे ज़्यादा गिरा हुआ तो कोई इंसान है ही नहीं इस पृथ्वी पे। इसको कार्यकर्ता को समझना चाहिए। अगर ये बात छोटी सी कार्यकर्ता समझ लेंगे
तो आगे संघ नहीं टूटेगा, संगठन नहीं टूटेगा, और जब संगठन नहीं टूटेगा तो विचार नहीं टूटेगा, और जब विचार नहीं टूटेगा तो विचारधारा मजबूत होगी, जब धारा मजबूत होगी तो वो छोटी मोटी चीज़ों को उड़ाकर वैसे ही ले जाएगी और आपको समुद्र तक पहुंचा देगी, आपका उद्देश्य पूरा कर देगी। धन्यवाद। Thank you.